हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर एजी एंड यू आर वाचिंग लर्न विद डॉक्टर एजी। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ऑनलाइन डिग्री के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है उसके मुताबिक देखेंगे और इसको हम जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको। सो आपने uhs.edu.pk टाइप करना और इस पर जो क्लिक करना है, इससे आप जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जो है वो होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो स्लाइडर नजर आ रहे हैं आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको जब वो डिग्री इश्यूएंस पोर्टल, जब ये आपको इस पे आपने जब वो असेस पोर्टल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको जो ये टैब जो ओपन होगा इसमें ये अपर रीजन में इसमें जो वो केस नंबर और CNAC नंबर, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री के लिए अप्लाई किया है और उसको जब वो फॉलोअप के चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना जो उनको स्पेसिफाइड केस नंबर इशू होगा वो और अपना CNIC जो वो एंटर करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हैं तो आपने जो वो यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि आपकी हर एक की रिजल्ट कार्ड पे मेंशन होता है, तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो एंटर करना है, अपना फादर नेम जो एप्लीकेंट है, और लास्टली यहाँ पे जो वो आपका केस टाइप, लाइक आप जब वो डिग्री इशू करवा रहे हैं या डुप्लीकेट डिग्री या फिर कन्वोकेशन जो आपके जब वो यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं, तो आप जब वो कन्वोकेशन डिग्री पे जब वो अप्लाई करेंगे। सो इस तरीके से आप जो उसमें क्लिक कर दिया और इनिशिएट द न्यू रिक्वेस्ट, आपने इस पे जब वो क्लिक कर देना। इससे पहले जो आपने जब वो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर्म अटैच है, इसका भी आपको मैं इसी स्टेप में ही बता देता हूं कि ये प्रिंसिपल अप्रूवल क्या है फॉर्म। अब ये फॉर्म है जो कि आपके इंस्टीट्यूट का जो प्रिंसिपल है वो अप्रूव करेगा। ये अपर जो पोर्शन है ये स्टूडेंट खुद फिल करेगा, नेम उसका जो वो डिग्री का टाइटल, उसका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर और फाइनली का रोल नंबर। यहाँ पे जो एप्लीकेंट खुद से जो सिग्नेचर करेगा और जो यहाँ पे डेट लिखेगा, और लो जो है ये जब वो यूनिवर्सिटी की जो प्रिंसिपल है, आप लाइक अलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है या जो वो रेलिवेंट जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका जो प्रिंसिपल यहाँ पे जो वो सिग्नेचर करेगी, उनका फुल नेम और यहाँ पे जो डेट और यहाँ पे उसकी स्टैंप आ जाएगी। तो ये आपने फॉर्म को कम्प्लीटली ड्यूली फिल करके इसको जब वो उसके साथ अटैच करना आपके फॉर्म के साथ। ये आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि उसमें कहाँ पे आपने इसको अटैच करना है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, इनिशिएट द न्यू रिक्वेस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। अब ये है इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका रीड आउट करना है आपने थॉरली, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक आपकी फीस बताई है कि कितनी इसमें फीस है अगर आपने थ्रू द इंस्टीट्यूट अप्लाई किया थ्रू कन्वोकेशन, सो 2000 इसकी फीस है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अप्लाई आपने सबमिट करवानी है उसका फॉर्मेट जो वो JPG फॉर्मेट होगा और उसका साइज जो वो 250 KB से बिलो होगा। किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज अगर 250 KB से अबव होगा तो वो आप जो वो सबमिट नहीं करवा पाएंगे। सो आपने ये ख्याल करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाएं उसका साइज जो वो 250 KB से बिलो हो और JPG जो है वो फॉर्मेट में हो। इसके लिए आपने एक डिस्क्रिप्शन में आपको जो वो एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू जो आप जब वो अपनी डॉक्यूमेंट को इजीली जब उसको जब वो कंप्रेस कर सकते हैं। अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ लिंक, जिस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करके कोई भी आपने जब एक इमेज जो सिलेक्ट कर लेनी है, लाइक मैं ये इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, प्रीवियसली मल्टीपल इमेजेस मैं एक साथ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इन सभी को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया है और इनका प्रीवियस जो साइज था वो 1.11 MB था जो कि मैंने शॉर्ट करके जो उसको 186 जब उसको पे चेंज किया, मतलब इसको मैंने जब वो बिलो 250 किया। अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं फिर भी उसका साइज जो आपके जो रिक्वायर्ड साइज से ज्यादा बन रहा है तो आपने ये जो उसका कंप्रेशन लेवल है इसको हाई कर देना है ताकि जो आपकी जो वो विद इन रेंज जो आपका आ जाए। इस पर आपने वो क्लिक करके आपने इस पर कंप्रेस पे क्लिक कर देना, इस तरीके से जो वो आपकी जो फाइल जब वो कंप्रेस हो जाएगी। तो इसको एट द एंड जो आपने जब उस पर डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे आपने डाउनलोड
बटन पे क्लिक करके जो आपने इसको डाउनलोड कर लेना। अब ये आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो रिक्वायर्ड है मैं आपको बता देता हूँ, जो जो उसमें जब वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपने जब वो अपने लैपटॉप में जो उसको जब वो डाउनलोड कर लेना है। अब नेक्स्ट आपने देखना है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें जो वो रिक्वायर्ड है। एक जो आपके मैंने प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर्म था उसको आपने प्रिंट निकलवा के उसको जब वो कंप्लीटली फिल करके उसकी जब वो उसका भी जो है आपने स्कैन कर लेना उसको। फिर उसके बाद आपका जो वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसके जो वो उसकी स्कैन कॉपी, FSC का सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट की ऑप्शनल है अगर तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। ऑल ईयर्स की आपकी जो वो DMCs आपने ट्रांसक्रिप्ट उसके साथ अटैच नहीं करनी, हर एक साल की जो है वो डिटेल मार्कशीट जो है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है, उसकी जो वो स्क्रीनशॉट ले उसके प्रिंट लेके जो आपने उसके स्कैन करके उसको जब वो पिक्चर को उसमें आपने अपलोड करनी है। अगर ये आपके पास DMCs नहीं है तो आप जब वो यूनिवर्सिटी से जब वो निकलवा सकते हैं, न्यू आप DMCs निकलवाएंगे और फिर उसके जब वो साथ आप अटैच करेंगे। विदाउट 5 ईयर्स DMCs आप जब वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका CNIC, उसका फ्रंट और बैक या पासपोर्ट है तो वो कर लें, ठीक है। अब ये जो लोअर वाली मिडवाइफरी वगैरह ये नर्सिंग के लिए है, ग्रेजुएशन डिग्री जब वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, तो ये कुछ वो हैं जो कि किसी और के लिए हैं, आपको रिक्वायर्ड नहीं। आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज दैट इज दी फी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, अगर वो MPH ये भी आपसे रिक्वायर्ड नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन पे चालान फॉर्म, जब आप जब वो कंप्लीटली फिल कर देंगे तो एट द एंड जब उसके जब वो चालान फॉर्म आपको रिसीव होगा तो वो आपको सबमिट करवाना होगा। सो इसकी जो हम देख लेंगे बाद में क्या कुछ इसमें कैसे उसको आपने फिल करना है। सो इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। दोबारा से आपको बता दूं कि आपने जो ये इंस्ट्रक्शंस थी इन इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है ताकि आपको बार बार इसमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपने जब यहाँ पे अपनी पिक्चर इसमें अटैच करनी है, पिक्चर आपने कोई भी जब वो आपकी जिसका साइज जो है वो आपने ये ख्याल करना है कि इसके 6x6 पिक्सल, 600x600 पिक्सल्स और साइज इसका 250 KB से बिलो हो। ये मैंने एक अपनी पिक्चर रखी तो ये भी साथ इसमें जो अटैच कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट आपने मेंशन करना अपना कौन सा इंस्टीट्यूट है आपका, लाइक अलामा इकबाल है तो उसमें आप अलामा इकबाल लिखेंगे। नेक्स्ट इज द आपका सेशन, जो आपका स्टार्टिंग से जब वो एंडिंग तक लाइक 2013 to 18 है, मैं सेशन सेशन तो मैंने उसमें मेंशन किया। आपके एग्जाम्स कब हेल्ड हुए, आपने जो उसकी डेट जो टेंटेटिव डेट जो आपको जो याद है वो आपने लिखनी है फाइनल ईयर के, दिस इज इम्पोर्टेंट, फाइनल ईयर के जो आपकी डेट है वो आपने मेंशन करनी है इसमें। सो इस तरीके से आपने डेट मेंशन कर दी और आपका जो रोल नंबर है वो आपने इसमें जो फाइनल ईयर का जो आपका रोल नंबर है वो आपने मेंशन करना है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो अभी रिसेंटली आपके यूज में है वो आपने इसमें जो मेंशन करना है। आपका ईमेल एड्रेस, क्योंकि उन्होंने आपकी ईमेल के थ्रू आपको अप्रोच करना है तो आपने ईमेल एड्रेस जो वो आपने वो वाला देना जो आपकी यूज में हो, जिसको आप असेस कर सकें इजिली। लास्टली जो आपने जो अपनी डिग्री यहाँ पे मेंशन करनी है लाइक द डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है, और यहाँ पे आपने जो अपना CNIC जो वो मेंशन करना है। ये इस तरीके से आपने इसको ड्यूली फिल कर दिया और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अगर आप जब वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली अच्छे से फिल करेंगे तो वो नेक्स्ट जाएगा, अगर उसमें कोई मिसिंग होगी डॉक्यूमेंट तो वो नेक्स्ट नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो चार्ट है इसमें आपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया था स्कैन करनी है तो वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अटैच करनी है, और साथ साथ जैसे जैसे आप अटैच करते जाएंगे वैसे वैसे साथ आपने उसको जब वो क्लिक करते जाना, लाइक अपलोड द रीडेबल क्लियरेंस स्कैन कॉपी ऑफ द साइन प्रिंसिपल, वो जो आपको मैंने जो वो अप्रूवल फॉर्म का बताया तो वो अप्रूवल फॉर्म आपने जब वो वहां से जब साइन करवा के अपने अथॉरिटी से,
उसको जो साथ यहाँ पे जो वो अटैच करना है, जब आपने ये अटैच कर देना है तो फिर यहाँ पे आपने जो वो क्लिक कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद आया आपके पास जो वो रीडेबल क्लियरेंस स्कैन कॉपी ऑफ द मैट्रिक और इक्विवेलेंट, आपने यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपने देखना है यहाँ पे मैट्रिक का मैट्रिक और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। अब ये जरूरी है कि जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उसका साइज बिलो 250 हो। अब मैंने जब वो एक दफा अपनी मैट्रिक की अपलोड कर दी, उसके बाद नेक्स्ट जो वो अपना एफएससी का अपलोड कर रहा हूँ, तो मैंने इस पे जब वो क्लिक करना है यहाँ पे डिग्री नेम, लाइक मैं एफएससी और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने अपना जहाँ पे मैंने अपना रखा हुआ है एफएससी का, उसको मैंने यहाँ पे जब वो अटैच करना है और उसको अपलोड कर देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारे पास जब वो सीएनआईसी की कॉपी। सो सीएनआईसी की फ्रंट और बैक दोनों आपने जो अपलोड करने हैं। नेक्स्ट में जब वो सीएनआईसी का जो वो फ्रंट अपलोड करूंगा, ये प्रोसेस जरा टाइम टेकिंग है, तो आपको थोड़ा सा तहम्मुल के साथ जब उसको जब वो सारे प्रोसीजर को जो वो फॉलो करना है। अब देखें कि मेरी ये जो सीएनआईसी है इसका जो वो साइज ज्यादा है, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए जरूरी है कि मैं इसको जो वो पहले से इसको जो वो साइज को जो वो स्मॉल करूं। मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे जो वो सिलेक्ट इमेज करूंगा, जो इमेज मुझे रिक्वायर्ड है इसका साइज मैंने जो वो कंप्रेस करना है, लाइक मैं इस वक्त जो वो ये दो पिक्चर्स हैं, इन दोनों को मैंने कंप्रेस करना है, तो इन दोनों में क्लिक करके मैंने जब वो उसमें एंटर कर दिया। अब इनका साइज बता रहा है, ये इनका साइज है। अब इनको कंप्रेस करके जब वो एक का साइज जो वो 223 बन रहा है KB और दूसरे का 230, अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा जी, डाउनलोड कर लूँगा। अब ये दोनों जो है वो मेरे डाउनलोड में जब रिसीव हो जाएंगे, वहाँ से जब उसको जो मैं अपलोड कर सकता हूँ उसमें जब वो फाइल में। सो हम जब वो ये फाइल थी हमारी, यहाँ पे हम जब वो सीएनआईसी फ्रंट है, तो मैंने यहाँ पे जो वो फाइल चूज करनी है, डाउनलोड में गया था तो डाउनलोड में जाऊंगा, दिस इज द फ्रंट साइड, अपलोड कर दूंगा इसको। नेक्स्ट उसके बाद है जी मेरा सीएनआईसी का जो बैक साइड। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सीएनआईसी बैक पे क्लिक किया, इसमें जब वो जो रिक्वायर्ड है ये बैक साइड है सीएनआईसी की, तो ये मैंने जो वो चूज की, इसको अपलोड किया। अभी तक मेरी जब वो सीएनआईसी फ्रंट बैक मैट्रिक इंटर ये अभी तक अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट इज दी डीएमसीज। So, अब मैंने जब अपनी डीएमसी जब वो अपलोड करनी है, सो फर्स्ट ईयर की जो वो डीएमसी मेरी, उसको पहले मैं चूज करूंगा, अपनी जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जाके देखूंगा। सो दिस इज माय फर्स्ट ईयर डीएमसी, ये मैंने क्लिक कर ली, सिलेक्ट कर ली, अपलोड करूंगा इसको। ओके, वो कह रहा है कि इसका साइज एक्सीड कर रहा है, तो आपने जब वो देखनी है जो डॉक्यूमेंट जो आप इसका साइज जो ज्यादा ना हो। अब मैं इसमें गया, मेरे पास ये है, इसका साइज लो है, ये मैंने अपलोड किया। फिर मैं उसके बाद जब वो फर्स्ट ईयर का अपलोड हो गया, तो अब मैं इसके बाद जब वो सेकंड ईयर डीएमसी करूंगा, ये सेकंड प्रॉफ की डीएमसी है, इसको मैंने अपलोड किया। फिर उसके बाद मेरी जब वो थर्ड ईयर की डीएमसी है, उस पर क्लिक करूंगा,
थर्ड ईयर की डीएमसी में अपलोड करूंगा। नेक्स्ट इज द फोर्थ ईयर डीएमसी, उस पर क्लिक किया, वो मैं एंटर करूंगा, अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट इज द फाइनल ईयर डीएमसी, फाइल चूज की है उसमें, फाइनल ईयर की जो आपने जहां पे आपने रखी होगी आपने उसके मुताबिक उसको सर्च करके उस पर जब वो अपलोड कर लेनी। सो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं पहले से मैंने अपनी जो फाइल को जब वो अरेंज करके रखा हुआ ताकि उसके मुताबिक मैं जब उसमें जब वो अपलोड करता जाऊं। तो अब मेरे पास जब वो सीएनएससी मैट्रिक एफएससी सीएनएससी फ्रंट बैक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर ये सारे ईयर्स की मैंने जब वो अपलोड कर दी है अपनी डॉक्यूमेंट्स। अब ये मेरे ऑल फाइव ईयर्स की डीएमसीज मैंने जब वो सबमिट करवा दी है। अपलोड रीडेबल क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ द ग्रेजुएशन डिग्री, अगर मेरे से रिलेटेड है तो मैं इसको अपलोड करूंगा। लाइक मैं अंडर ग्रेजुएट के अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे इसको जो वो इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। रीडेबल क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ द थीसिस, ये भी मेरे से रिलेटेड नहीं है। सो अभी तक जो मेरे लिए जो वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थी वो सारी मैंने जो वो फिल करके इसमें साथ जो वो अटैच कर दी है। सो अब इसके बाद जो वो मैं अपनी जो वो एप्लीकेशन को सबमिट करूंगा। अब देखा जाए तो मैंने एक अभी डॉक्यूमेंट जो वो फर्स्ट वाली जो डॉक्यूमेंट है जो कि जरूरी है वो अभी तक मैंने जब वो सबमिट नहीं करवाई। सो मैं इसको भी जब वो फिल करके जब वो इसको सबमिट करवाऊंगा। सो एक दफा जब आपने जो एप्लीकेशन जब एक दफा सबमिट करवा देनी है तो दोबारा से एडिटेबल नहीं होगी। सो इसलिए आपने ख्याल ये करना है कि जो आप एक दफा फिल करें तो उसको कंप्लीटली अच्छे से जो उसको फिल करके तब जाके उसको जो वो सबमिट करवाएं। सो जब आपने ये सबमिट करवा देने हैं तो नेक्स्ट जो आपको फी चलान का उसमें जो वो आपको वाउचर आएगा वो आपने जब आप अपनी जो वो ये सारी डॉक्यूमेंट्स फिल कर लेंगे कंप्लीटली आप उसको जो वो प्रोवाइड कर देंगे तो फिर आपके जो इंस्टीट्यूट के जो फोकल पर्सन है वो उसको जो वो वेरिफिकेशन करेंगे कि आप उसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं और आपने जब इसको ड्यूली फिल कर दिया है तो उसके बाद फिर जो वो आपको अप्रूवल देंगे फिर जो वो आपकी एप्लीकेशन जो वो यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास जाएगी और उसके बाद वो सारा प्रोसीजर होने के बाद जो आपको जो वो डिग्री इशू होगी। सो आई होप आपको जब वो ये प्रोसीजर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो तो फर्दर आप में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जब उसकी डिटेल्स बता दूंगा। सो शुक्रिया।